अस्सलाम बॉयज, आज हम कल हमने यस्टरडे लेसन शुरू किया था एन एग्जीबिशन चैप्टर नंबर 4। तो आप आ जाएं पेज नंबर 19 पे या मेरे साथ पढ़ें इसी वीडियो के साथ। हमने गालबन यहाँ तक किया था। यस, डिड यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन? यहाँ तक ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर ये सारी रीडिंग कर लेते हैं आज, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको बाद में कराता हूँ मैं। सलीम साइड, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम्स नाउ। सलीम ने कहा, सर मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करता रहा हूँ, यानी स्टैम्प्स को क्या कहते हैं, कलेक्टिंग जमा करना, कलेक्ट टिकटें इकट्ठी करता रहा हूँ फॉर क्वाइट सम टाइम्स नाउ, काफी वक्त से। एंड आई डिडंट सी स्टैम्प्स इन द एग्जीबिशन, और मुझे नुमाइश में कोई टिकटें नजर नहीं आई। मिस्टर गाजी सेड, Yes, you are right. हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। There was no stall of stamps there. वहाँ पर stamps का कोई stall नहीं था। It is a very popular hobby. ये बहुत ही मशहूर मशगला है। मिस्टर गाजी ने कहा, I have a surprise for all of you. तुम सब के लिए मेरे पास एक खिलाफ़ तवक्का बात है, surprise है, एक हैरान करने वाली बात है। Everybody looked anxious. हर कोई मतलब परेशान हो गया। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन, चलें एक एग्जीबिशन लगाते हैं, नुमाइश लगाते हैं एट स्कूल, स्कूल में। एंड लेट एवरीबॉडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन, और हर किसी को मौका देते हैं कि वो अपनी अपनी मजमू लेकर आए, कलेक्शन लेकर आए। सलीम, यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स। सलीम, तुम अपनी स्टैम्प्स लेकर आओगे, टिकटें लेकर आओगे। विल यू, क्या लेकर आओगे? यस सर, सेड सलीम। सलीम ने कहा, मिस्टर काजी आस्क्ड द क्लास इफ दे हैड ए हॉबी। मिस्टर काजी ने क्लास जमाई से पूछा कि क्या उनकी भी कोई हॉबी है, उनका भी कोई मशगला है। सदीक, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें जमा करता आया हूँ। आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, मैं अपनी पिक्चर्स की कलेक्शन लेकर आऊंगा, मजमुआ लेकर आऊंगा। आसिफ, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स। सर मैं सिक्के जमा करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग देम टू, मैं उन्हें भी लेके आऊंगा। सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर, उनमें से कुछ तो सिक्के बहुत ही नायाब हैं। शराज, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ दी अदर कंट्रीज, मैं दूसरे ममालिक के पोस्ट कार्ड जमा करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग दोज, मैं उन्हें ले आऊंगा। असलम, आई हैव बीन कलेक्टिंग सी शेल्स, मैं समुद्री सिपियां जमा करता रहा हूँ। काशिफ, माई सिस्टर हैज ए बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स, मेरी बहन के पास गुड़ियों का एक बहुत बड़ा मजमुआ है। शी हैज बीन कलेक्टिंग डॉल्स फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज, वो तमाम दूसरे मुल्कों की गुड़ियां जमा करती रही है। एंड हैज बीन मेकिंग डॉल्स इटसेल्फ, और खुद भी गुड़ियां बनाती रही है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग some of those dolls to this exhibition, मैं उनमें से कुछ गुड़ियां, कुछ dolls इस exhibition में लाना चाहूंगा। ठीक हो गया बेटा, यहां तक समझ आ गया आपको? आगे मिस्टर काजी said, it appears you have all been doing a good job, ऐसा लगता है कि आप सब लोग अच्छा काम करते रहे हो। it seems all set now, अब सब बिल्कुल ठीक जा रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है। प्लीज ब्रिंग योर कलेक्शंस टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे, अपने मजमुए अगली जुमेरात को ले आना फॉर द एग्जीबिशन, नुमाइश के लिए। डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योर पेरेंट्स, अपने वालदेन को इनवाइट करना, दावत देना मत भूलना। रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को टू दिस एग्जीबिशन, अपने वालदेन को, रिश्तेदारों को और दोस्तों को इस एग्जीबिशन में, इस नुमाइश में इनवाइट करना मत भूलना। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे, बच्चे आज बहुत ही पुरजोश थे। दे ऑल क्लैप्ड, सब ने तालियां बजाई। दे लाइक द आइडिया ऑफ ए स्कूल एग्जीबिशन, दे लाइक द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्जीबिशन, उन्हें स्कूल में नुमाइश का जो आइडिया था, ख्याल था, वो बहुत ही पसंद आया। अच्छा गाइस, आपने इसको रीडिंग करना है, इसकी ट्रांजिशन अंडरस्टैंड करनी है, इसको 2-3 दफा वीडियो को रिपीट करके पढ़ना है। तो I hope this is not as difficult lesson as it
लुक लाइक, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इजी लेक्शन इसको पढ़ें, इसकी हम नेक्स्ट हम एक्सरसाइजेस करेंगे आपको, उसके मैं सारे क्वेश्चन आंसर भी नेक्स्ट वीडियो में चेक करूंगा. इट इज ऑल ऑल द बेस्ट, नो वन टू लव यू.